यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी एक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, और करंट एसेट्स का मतलब है दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसमें हमें देखना होता है कि भाई हमारी क्या इन्वेंट्री होगी या कितनी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों ने जब कॉस्टिंग में मटेरियल चैप्टर पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट, उसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब था टू ए ओ अपॉन सी या एस। ए का मतलब था एनुअल कंजम्पशन या रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब था ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी का मतलब होता था कैरिंग कॉस्ट। इससे हमारी निकल आती थी कि कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे। उसी तरीके के क्वेश्चंस हम इसमें भी करेंगे, तो इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ हम आपके मटेरियल वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ के आते हैं। चलिए पढ़ें, ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर 10 डेज आर 6300, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 10, कैरिंग कॉस्ट इज 0.265, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ईओक्यू। सो अब हमें क्वेश्चन में ए दे रखा है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 6300, ओ दे रखा है 10 और सी दे रखा है 0.26। सो ई ओ क्यू क्या होगा? ठीक है, तो दिस कम्स टू 700 यूनिट अप्रोक्स। कैलकुलेटर से कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। मार्वल लिमिटेड यूजेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। एनुअल कंजम्पशन हमारा है 60,000 टन्स ओवर अ 50 वीक वर्किंग ईयर। इट्स कॉस्ट 100 टू इनिशिएट एंड प्रोसेस एंड ऑर्डर एंड डिलीवरी फॉलो 2 वीक लेटर। स्टोरेज कॉस्ट कम्स टू 10 पैसे पर टन पर मैनम। ठीक है, द करंट प्रैक्टिस इज टू ऑर्डर ट्वाइस अ ईयर व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 10,000 टन। रिकमेंड एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉर मार्वल लिमिटेड एंड कंट्रास्ट इट विद द कॉस्ट ऑफ करंट पॉलिसी। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपने मटेरियल कॉस्ट में पढ़े थे, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ए है 60,000, ओ है 100 और सी हमारा है 0.10। ठीक है, सो ई ओ क्यू क्या आएगा? 2 × 60,000 × 100 / 0.10। दिस कम्स टू 1054 टन पर ऑर्डर। सो नंबर ऑफ ऑर्डर अगर हम ई ओ क्यू की पॉलिसी से चलते हैं तो दैट कम्स टू हाउ मच? (60,000/10954) दैट इज 5.5। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ये ई ओ क्यू की पॉलिसी से ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी आएगी
5.5 into 100 plus होल्डिंग कॉस्ट आएगी 5.47 है एक्चुअली 550 प्लस 550 कर लें अप्रॉक्सीमेट दैट इज कम्स टू 1100। ठीक है, मैं राउंड ऑफ में कर लिया। नाउ करंट पॉलिसी कितनी है? करंट पॉलिसी है ऑर्डर ट्वाइस। ठीक है, अब यहां पर समझना है कि व्हेन द स्टॉक ऑर्डर फॉल्स टू 10,000 यूनिट, मतलब 10,000 यूनिट पर हम ऑर्डर करते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर 30,000 यूनिट या टन, दो बार ऑर्डर करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन में स्टोरेज कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरेज कॉस्ट की वर्किंग समझ लेंगे। हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा? सिक्सटी थाउजेंड यूनिट हमारी 50 वीक की रिक्वायरमेंट है और 2 वीक में हमारा ऑर्डर डिलीवर होता है। क्वेश्चन में लिखा है 2 वीक डिलीवरी में लगते हैं, इसका मतलब है 24 टन कंजम्पशन हो जाता है हमारा ड्यूरिंग ऑर्डर पीरियड्स। ठीक है जी, ऑर्डर करते हैं हम कब? व्हेन स्टॉक साइज कितना हो जाता है? 10,000। तो स्टॉक व्हेन ऑर्डर रिसीव होता होगा वो कितना होता होगा? 10,000 माइनस 2400, इसका मतलब है 7600 का स्टॉक तो हम हमेशा ही मेंटेन करते हैं, प्लस हम करते हैं वो जो हमारे पास ऑर्डर आता है। सो स्टोरेज कॉस्ट किस पे निकालेंगे? 7600 प्लस वन हाफ ऑफ 30,000 इंटू 0.1 दैट कम्स टू 242260। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी दो बार है तो ये आ गए 2460। अगर आप ईओक्यू में जाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग 1100 रुपये आएगी, अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में देखें तो अभी आपकी कॉस्टिंग आ रही 2460। इट मींस ये अभी सही पॉलिसी अडॉप्ट हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये जो स्टोरेज कॉस्ट वाला है इसे याद रखिएगा, ये मटेरियल कॉस्ट में भी काम आ जाएगा, अलग तरीके का है ये। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ये भी है इसे देख लेते हैं। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्योर एयर कंपनी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एयर फिल्टर्स टू रिटेल स्टोर्स, इट बाय इट्स फिल्टर फ्रॉम सेवरल मैन्युफैक्चरर, फिल्टर आर ऑर्डर इन लॉट साइज ऑफ 1000 एंड ईच ऑर्डर कॉस्ट 40 पैसे। ओके, मतलब 1000 के ऑर्डर में ही हम ले रहे हैं। डिमांड फ्रॉम रिटेल स्टोर इज 20,000 पर मंथ एंड कैरिंग कॉस्ट इज 0.10 अ फिल्टर। What is the optimal order quantity with respect to so many lot size? तो हम number of lots की बात कर रहे हैं, हम filter की बात नहीं कर रहे हैं। What would be the optimal order quantity if the carrying cost were इतना
एंड व्हाट विल बी द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इफ द ऑर्डरिंग कॉस्ट वर इतना। तो तीन हमें ईओक्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डाटा को करना पड़ेगा। ये हमें वर्किंग निकालनी है फिल्टर पर, मतलब लॉट पर, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे जो एनुअल डिमांड है वो है 20,000 फिल्टर की, और लॉट साइज कितना है वो है 1,000 फिल्टर पर लॉट। तो एनुअल नंबर ऑफ लॉट्स जिसे कहेंगे हम वो कितनी आएंगे, एक तरह से मुझे 20 लॉट की डिमांड है, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट में इन्होंने बताया है 10 पैसे यानी कि 100 रुपीस पर लॉट। ओके, सो तीन ऑप्शन है, ईओक्यू इज इक्वल टू 2 × A × O/C। 2 × A हमारा 20 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 40 है, अपॉन 100, सो दैट कम्स टू 4 लॉट्स, ठीक है जी। दैट इज दी 4,000 फिल्टर। बी की बात करेंगे तो इसमें क्या चेंज आया, देखिए बी में इन्होंने बोला है कि अब आपकी कैरिंग कॉस्ट 5 पैसे हो गई है, तो 2 × 20 × 40/5 पैसे से फिर ये 50 हो जाएगा, तो दिस कम्स टू 5.56, दैट इज 6 लॉट, दैट इज 6,000 फिल्टर पर लॉट, ठीक है जी, पर ऑर्डर, लॉट नहीं। एंड सी में इन्होंने क्या बोला है, सी में इन्होंने बोला हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई है, तो सी केस में ईओक्यू हो जाएगी 2 × 20 × 10/100, दैट इज 2 लॉट और 2,000 फिल्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी, बट चूंकि इस आपकी एक तरह से आपको बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए करा दी गई हैं। आई होप आपको क्लियर है सारी बातें। बाकी इसके लिए मटेरियल कॉस्ट वाला चैप्टर ध्यान से करिए, उसमें बहुत समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।